वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम अश्विन कुमार मंडल एज अ मैथमेटिक्स टीचर टेकिंग द क्लास एट मैथमेटिक्स रिप्रेजेंटिंग शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजुदा। स्टूडेंट, इन द प्रीवियस वीडियो ध्यान से देखेंगे, चैप्टर नंबर 3 प्रैक्टिकल ज्योमेट्रिकल एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 3.1। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आर देयर। हमने जो पिछला वीडियो देखा था उसमें हमने सबसे पहले एक वर्ड पढ़ा था पॉलीगॉन। व्हाट इज़ द मीन ऑफ द पॉलीगॉन? दैट मीन्स अ क्लोज्ड शेप आर नोन एज द पॉलीगॉन। द टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स, ठीक है, फर्स्ट वन इज़ द ट्राइंगल, सेकेंड वन इज़ द क्वाड्रिलेटर, देन पेंटागॉन, देन हेक्सा, ये सब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, याद है सभी को पॉलीगॉन? ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, वो जो हमारा इंट्रोडक्शन था उस पे बेसिस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन? गिवन हियर आर द सम फिगर्स, हाउ मेनी फिगर्स आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, हाउ मेनी फिगर्स आर देयर? 8 फिगर्स। ठीक है, और हमको पर्टिकुलर 5 कैटेगरी दी हुई है। ठीक है, कितने कैटेगरी दी है? 5। फर्स्ट वन इज़ द सिंपल कर्व। व्हाट इज़ द मीन ऑफ द सिंपल कर्व? एवरी क्लोज्ड कर्व, ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर कर्व है जो कि क्लोज हो चुका है। ठीक है, ये अगर जो मैं बात करूँ तो ये ओपन है और ये क्या है? क्लोज्ड है। तो जो क्लोज्ड कर्व होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? सिंपल कर्व। ठीक है, तो सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज्ड कर्व आपको दोनों समझ आ गए। पॉलीगॉन, पॉलीगॉन के बारे में कल अपन ने पूरी चर्चा करी थी। पॉलीगॉन मतलब क्या होता है? ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर, पेंटागॉन, हेक्सागॉन, हेप्टागॉन, ऑक्टागॉन, नेनागॉन, डेकागॉन, याद है ये सारे अपने क्या होते हैं? पॉलीगॉन। कॉनवेक्स, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, कॉनवेक्स और कॉन के हो, मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, लेट बी कंसिडर, मान लीजिए ये एक चौकोर बॉक्स है, दैट मीन्स अ क्वाड्रिलेटर। अगर जो बाहर की तरफ मैं सरफेस बनाता हूँ तो ये हो जाएगा कॉनवेक्स, और अगर जो मैं सरफेस को अंदर की तरफ ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव दैट मीन्स अ इनसाइड, कॉनवेक्स दैट मीन्स अ आउटर साइड। तो सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगॉन, कॉनवेक्स एंड कॉनकेव, आपको थोड़ा बहुत समझ आया? ठीक है, वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गिवन हियर आर सम फिगर्स, ये जो फिगर है इसकी खास बात देखिए क्या है, ये अंदर की तरफ है। किस तरफ है? अंदर की तरफ। ये जो फिगर है ये किधर है? बाहर की तरफ। ठीक है, आप बोलेंगे सर ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, बट आप ध्यान से देखिए ये जो है ये सर्कल है। ठीक है, पॉलीगॉन और सर्कल में, पॉलीगॉन मतलब क्या होता है पर्टिकुलर स्टूडेंट? देखिए आपने ट्रायंगल, ठीक है, जिसका कोना, ठीक है, कोना मतलब आप समझ रहे हो, जिसमें एज होती है उसको पॉलीगॉन बोलते हैं, बट इसमें कहीं पर भी कोई कॉर्नर है क्या? नहीं, तो ये पॉलीगॉन का टाइप होगा ही नहीं स्टूडेंट। आई रिपीट माई सेंटेंस, ये एक पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन है, यस और नो? देखिए इसमें कितने कोने हैं, बहुत सारे कोने, मतलब ये भी पॉलीगॉन है, इसमें भी मुझे यहाँ 2 कोने मिल रहे हैं, मतलब ये भी एक पॉलीगॉन है, बट इसमें पर्टिकुलर कहीं पर भी मुझे कोई एज मतलब कॉर्नर दिख रहा है क्या? नहीं, तो ये भी पॉलीगॉन का टाइप नहीं है, ये भी पॉलीगॉन का टाइप नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको एक एज मिली है, ठीक है, यस और नो? इसको एक कोना मिला है इसलिए ये पॉलीगॉन का टाइप है, बट देट इज़ अनदर नॉट अ पार्ट ऑफ पॉलीगॉन। स्टूडेंट फिर से समझते हैं, मुझे यहाँ पर पर्टिकुलर 8 शेप दिए, हाउ मेनी शेप्स आर देयर? 8 शेप, और मुझे ये बताना है कि ये जो शेप है ये इनमें से कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? सिंपल कर्व, ठीक है, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन या कॉनकेव पॉलीगॉन, मैं हर एक के बारे में धीरे धीरे बताऊंगा। ये सुन लो, पहले समझिए आप ये क्या है सर, ये पूरा का पूरा देखिए आप कहीं से भी ओपन है क्या? नहीं, तो ये क्लोज्ड है। क्या है? ये क्लोज्ड है, पहली चीज़ याद रहेगी। ठीक है, ध्यान से सुनिए, अपन यस और नो में पहले चर्चा करेंगे। सिंपल कर्व, व्हाट इज़ द मीन ऑफ द सिंपल कर्व? दैट मीन्स, ठीक है, सिंपल कर्व मतलब बिल्कुल हर एक कर्व जो क्लोज्ड होता है उसको सिंपल बोलेंगे। ये कर्व कैसा है? क्लोज्ड है, और ये कर्व कैसा है? सिंपल भी है, यस और नो?
यस और नो, मतलब कहीं ना कहीं ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, ये सिंपल कर्व भी है, सेकंड वन ये एक क्लोज्ड कर्व भी है, ठीक है। इसमें कितनी एज है, 1 2 3 4 5 साइड, दैट मीन्स आ पेंटागोनल, तो ये एक पॉलीगोन भी हो गया। चलिए, ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव, ये वाला जो फेस है ये इनसाइड है, इनसाइड दैट मीन्स आ कॉनकेव, अगर जो ये आउटर साइड होता तो मैं क्या बोलता, कॉन्वेक्स। तो ये कौन कौन सी कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है, ये सिंपल में भी है, देख रहा है स्टूडेंट, ये सिंपल में भी है, ठीक है, ये ठीक है सिंपल क्लोज्ड में भी है, पॉलीगोन बिकॉज पेंटागोनल है, ठीक है, कॉनवेक्स नहीं है, मैंने बताना कॉनवेक्स नहीं है, ये अंदर की साइड मूवमेंट है, इसलिए ये क्या हो गया, कॉनकेव। ठीक है, आई होप आप पहले के बारे में सारी प्रॉपर्टी समझ गए होंगे। नाउ वी टेकिंग द सेकेंड वन, व्हाट इज द मीन ऑफ द सेकेंड वन, इस डायग्राम को देखिए, अ डायग्राम जस्ट लाइक अ शेप ऑफ द आइसक्रीम, ये जो पार्ट है ठीक है, इस वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में आउटर साइड है, आउटर दैट मीन्स आ कॉनवेक्स, तो ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करेगा, कॉनवेक्स। दूसरी बात, ये चारों तरफ से क्लोज्ड है, मतलब ये क्या हो गया, सिंपल क्लोज्ड। थर्ड, अगर जो ये सिंपल क्लोज्ड है तो ये सिंपल कर्व भी होगा, 1 2 3 4 कितनी साइड है इसमें, 4 साइड्स आर देयर, दैट मीन्स आ क्वाडिलेटर, क्वाडिलेटर दैट मीन्स अ टाइप ऑफ पॉलीगोन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग नहीं करेगा, ये कॉनकेव को बिलोंग नहीं करेगा, बिकॉज या तो ये कॉनकेव होगा या तो कॉनवेक्स होगा, तो ये कौन से शेप में है, कॉनकेव, और ये कौन से शेप में है, कॉनवेक्स। आई थिंक यू गॉट द ऑल पॉइंट्स रिगार्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ द फर्स्ट। नाउ वी टेक द क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आप देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें पर्टिकुलर ये एक सर्कल के फॉर्म में, मतलब कहीं पर भी इसका कोना, दैट मीन्स आपको एज दिख रही है क्या, नहीं, मुझे कोई वर्टेक्स नहीं दिख रहा, मुझे कोई कोना नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं इसे पॉलीगोन नहीं बोलूँगा, ना तो ये पॉलीगोन है, जब ये पॉलीगोन है ही नहीं तो ये कॉनकेव और कॉनवेक्स पॉलीगोन नहीं होगा। ठीक है, और ये ठीक है, ध्यान से देखिए ये क्या लिखा, कर्व, ठीक है, ईच कर्व आर नोन एज द पॉलीगोन, मतलब ये पॉलीगोन नहीं है तो ये कर्व भी नहीं होगा। तो अबाउट द टाइप नंबर थ्री, ये किसी कैटेगरी में बिलोंग नहीं करेगा। नाउ ठीक है, टाइप नंबर द फोर, टाइप नंबर फोर के बारे में आप बहुत अच्छे से देखिए, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये पर्टिकुलर ठीक है, ये जो लाइन्स है ये अंदर की साइड इंटरसेक्ट हो रही है, देखिए जरा ध्यान से स्टूडेंट, धीज 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 धीज, ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर शेप्स होते हैं, आप कल याद कर लीजिए, मैंने किसी भी शेप में ठीक है, किसी भी शेप में ठीक है, आप कोई सा भी शेप देख लीजिए, हेक्सागोनल देखिए, हेप्टागोनल देखिए, मैंने उसमें ऐसा नहीं करा था, यस और नो, ठीक है, तो ये भी पर्टिकुलर पॉलीगोन का शेप नहीं है। ठीक है, आपको समझ भी आना चाहिए, ये पर्टिकुलर क्या है, इसमें कोई भी कोना नहीं है, और इसमें क्या है, इंटरनल, ठीक है, इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब कहीं ना कहीं ये आपस में बॉन्ड है, ख़त्म नहीं है, तो इसको क्या बोलूँगा, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ पॉलीगोन, ये सिर्फ एक 3D शेप है। चलिए फिफ्थ वाले पे पॉइंट पे आते हैं, फिफ्थ क्या है सर, ये एक सिंपल डायग्राम है, यस ये सिंपल है और ये पूरा बंद है, दैट मीन्स अ सिंपल एंड सेकेंड वन इज़ अ सिंपल क्लोज्ड, बार बार बात है, बट ये कुछ भी एक पॉलीगोन का टाइप नहीं है। व्हाट इज़ द मीन ऑफ द पॉलीगोन, जिसमें साइड होनी चाहिए, इसमें कोई साइड है क्या, नहीं, इसमें कोई साइड है क्या, नहीं, इसमें डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं क्या, नहीं, इसमें डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं क्या, नहीं, मतलब ये कहीं ना कहीं पॉलीगोन का टाइप नहीं है, और जब ये पॉलीगोन नहीं है तो फिर मैं कॉनकेव और कॉनवेक्स पे चर्चा करने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट वन, दिस इज अनदर, ठीक है, ये जो सिक्स वाला देखिए सर, ये कर्व है क्या, यस इट इज़ अ कर्व, मैं मान सकता हूँ ये एक पर्टिकुलर कर्व है, कर्व मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर शेप, ठीक है, ये बंद है क्या, ये चारों तरफ से क्लोज है क्या, यस, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व, बट सर इसमें कहीं पर भी कॉर्नर नहीं है, इसलिए मैं इसे पॉलीगोन नहीं है, दैट इज़ नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ द पॉलीगोन, ठीक है, याद रहेगा स्टूडेंट, फिर पॉलीगोन है ही नहीं तो मैं कॉनकेव और कॉनवेक्स पे भी चर्चा नहीं करूँगा, बोथ आर नॉट अ पार्ट ऑफ पॉलीगोन। नाउ नेक्स्ट वन, ठीक है, टाइप नंबर सेवन, सेवन इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ पॉलीगोन, आपको मैंने कल पॉलीगोन बताए थे, ठीक है, याद कर लीजिए सर, आप तो सिंपल पॉलीगोन क्या होता है, ट्राइंगल होता है, क्वाड्रिलेटर होता है, पेंटागोनल होता है, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नेना, डेकेन, तो ये जो शेप आपको दिख रहा है ये क्या ट्राइंगल शेप में है क्या, ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटर है, पेंटागोनल है, हेक्सागोनल है, हेप्टागोनल है, नहीं है सर, तो ये सारे, दैट मीन्स अ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ एंड एट्थ, ये पॉलीगोन नहीं होंगे,
और जब ये पॉलीगॉन है ही नहीं तो इनमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स की चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप सभी के बारे में समझ गए। तो आप सिंपल मुझे जल्दी से बता देंगे, सिंपल कर्व कौन कौन सा, फर्स्ट, सेकेंड, देन फिफ्थ, देन सिक्स एंड सेवन्थ। सिंपल क्लोज्ड कर्व के बारे में फिर से बोलिए, फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन्थ। मैंने लिख रखा पॉलीगॉन, द टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, फर्स्ट एंड सेकेंड, और इसमें कॉन्वेक्स कौन सा है सर, कॉन्वेक्स में लिखा मैंने सेकेंड और कॉनकेव में लिखा फर्स्ट। आई होप यू गेटिंग द ऑल सॉल्यूशन रिगार्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ द एक्सरसाइज 3.1। नाउ वी मूविंग विद द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। जैसे क्वाड्रिलेटर का एक एग्जांपल लेते हैं, क्वाड्रिलेटर विच कंसिस्ट द फोर साइड, ठीक है, कैसा भी ले लीजिए, रेगुलर हेक्सागोनल, हेक्सागोनल दैट मींस अ विच कंसिस्ट अ सिक्स साइड, ठीक है, ट्राइंगल विच कंसिस्ट अ थ्री साइड, ठीक है सर। हाउ मेनी डायगोनल्स, कितने डायगोनल्स इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा टू। इन द केस ऑफ रेगुलर हेक्सागोनल 1, 2, 3, ऐसा आप सोच रहे होंगे ये 3 है, पर इसमें और भी डायगोनल्स हो सकते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, ऐसा भी ले सकता हूँ मैं, ठीक है, इसको ऐसे भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो सर ये कितने डायगोनल्स होंगे इसमें, हाउ मेनी डायगोनल्स, कितने पॉइंट है ये, 6 प्लस 1 विल बी इक्वल ऑफ साइड प्लस 1, 6 प्लस 1 विल बी इक्वल ऑफ 7। सर ट्राइंगल है, सर ट्राइंगल में मैं ध्यान से देखिए किसको किससे मैच करूँ, ऑलरेडी वो सब मैच है, मतलब इसमें मैं कोई डायगोनल ड्रॉ नहीं कर सकता, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स विल बी इक्वल ऑफ 0। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू गेटिंग द क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्यूशन। ठीक है, सेकेंड का आपको सॉल्यूशन समझ आया, व्हाट इज द मीन ऑफ द डायगोनल, ठीक है, आपने देखा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द एंगल ऑफ द कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर, इन द केस ऑफ द क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर दैट मीन्स अ शेप विच कंसिस्ट ऑफ फोर, हाउ मेनी, 4, 1, 2, 3, 4, और याद रखना क्वाड्रिलेटर, ठीक है, मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। इन द केस ऑफ द ट्राइंगल, इन द केस ऑफ द ट्राइंगल द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्राइंगल विल बी इक्वल ऑफ 180 डिग्री। ट्राइंगल पूछा स्टूडेंट तो 180 डिग्री, क्वाड्रिलेटर पूछा है तो 360 डिग्री, और पेंटागोनल पूछा है तो 540 डिग्री। कितना बोलेंगे आप, 540 डिग्री। याद रहेगा स्टूडेंट, ये कुछ चीज़ें हैं जो क्लास टेंथ में यूजेबल है, मैंने आपको बताया ट्राइंगल, इन द केस ऑफ द ट्राइंगल 180 डिग्री, इन द केस ऑफ द क्वाड्रिलेटर 360 डिग्री, इन द केस ऑफ द पेंटागोनल 540 डिग्री। चलिए स्टूडेंट, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड भी समझ आया होगा। डिमांड ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन्होंने ये बोला है द सम ऑफ द ऑल एंगल्स, द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटर विल बी इक्वल --, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो किसी भी क्वाड्रिलेटर में सभी एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। स्टूडेंट नाउ वी मूविंग विद द क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वेयर इज द क्वेश्चन नंबर फोर्थ स्टूडेंट, ठीक है, ऊपर की तरफ देखिए, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल, वेरी गुड क्वेश्चन, इज देयर एंगल, वी हैव टू फाइंड द एंगल्स, मुझे एंगल निकालना जबकि मुझे नंबर ऑफ साइड दिए। मैं आपको एक बहुत सिंपल ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखेंगे सिंपल ट्रिक, ठीक है, आपको फॉर्मूला याद रखना है सिर्फ और सिर्फ n-1 × 180 डिग्री। याद रहेगा स्टूडेंट, n-1 कितना बोला सर मैंने, n-2 × 180 डिग्री। जब भी आपको कभी भी एंगल निकालना, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सम ऑफ एंगल, जल्दी तो नहीं हो रहा है, n-2 × 180। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम विद द नंबर ऑफ साइड विल बी इक्वल ऑफ 7, विल बी इक्वल ऑफ 7, दैट मीन्स 7-2 × 180, 7-2 दैट मीन्स 5 × 180, 5 × 0 दैट मीन्स 0, 5 × 8 = 40, कैरी विल बी इक्वल ऑफ 5, 5 × 1 = 5 एंड 9। कितना आंसर आ चुका है स्टूडेंट, 900। कितना आंसर आएगा फर्स्ट वाले का, 900 डिग्री। ठीक है, क्या फॉर्मूला बताया स्टूडेंट मैंने, n-2 × 180 डिग्री, n दैट मीन्स द नंबर ऑफ साइड। इन्होंने क्वेश्चन में ये बोला है मेरे पास कोई एक पॉलीगॉन है जिसकी कितनी साइड है, 7, तो मुझे एंगल फाइंड करना है। हरी बात समझ में, अब ठीक है 8, तो यहाँ पर n की जगह पर अपन कितना पुट करता था स्टूडेंट, 8, तो 8-2 विल बी इक्वल ऑफ कितना हो जाएगा, 6,
तो 6 कितना हो जाएगा, 900 ऑलरेडी हो चुका है, तो 9 मतलब ठीक है 180 और प्लस कर दिया, आप मल्टीप्लाई करना आता आपको, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, सेम आंसर आएगा 6 इंटू 0 मतलब 0, 48 तो 4 कैरी आया, 48 दैट मीन्स 8 कैरी आया 4, 6 वन जा 6 और 4 विल बी इक्वल टू 10, तो सेकेंड का आंसर हो जाएगा 1080। ठीक है स्टूडेंट, हाउ वी कैलकुलेट द एंगल, जब भी आपको साइड दिए तो आपको फॉर्मूले में पुट करना है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड विल बी इक्वल ऑफ 10, हाउ मेनी साइड्स आर देयर, 10 साइड्स आर देयर, हाउ मेनी साइड 10, सो 10 माइनस 2 विल बी इक्वल ऑफ 8, 8 इंटू 0 दैट मीन्स 8, 8 8 जा 64 कैरी आया 6, 8 वन जा 8 ठीक है दैट मीन्स 1440 डिग्री। आई होप स्टूडेंट आपको एंगल निकालने आ रहा होगा, जब भी आपको साइड दी है यू हैव टू पुट इन द फॉर्मूला n माइनस 2 इंटू 180, n की प्लेस पे 7, n की प्लेस पे 8 एंड n की प्लेस पे 10 को पुट करा, देन वी गेटिंग 1080 डिग्री एंड 1440 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मुझे नाम बताना है, स्टेट नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन। स्टूडेंट हमने इंट्रोडक्शन में देखा है बेसिक, ठीक है, अ टाइप ऑफ पॉलीगॉन विच कंसिस्ट थ्री साइड आर नोन एज ट्राइंगल, क्या नाम हो गया इसका स्टूडेंट, ट्राइंगल, फोर साइड हो जाएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटर, क्या बोलेंगे स्टूडेंट, क्वाड्रिलेटर, और अगर जो 10 साइड हो गई है, याद है आपको, ट्राइंगल देन क्वाड्रिलेटर, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, हेप्टागोनल, ऑक्टागोनल, ठीक है, नो को क्या बोलते हैं, नेनोडेक, एंड लास्ट वन इज द डेक, तो ये कितना हो गया, डेकोगोनल, डेकोगोनल दैट मीन्स अ 10। ठीक है थोड़ा बहुत आपको बेसिक याद होगा तो आप धीरे धीरे कर पाएंगे। स्टूडेंट आई होप यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ डायग्राम को देख के उसकी कैटेगरी बतानी थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में मुझे ये पूछा था कि कितने डायगोनल्स हो सकते हैं, तो पहले मैंने मन से डायगोनल नहीं बताया, आपको रटने की जरूरत नहीं है, पहले आप शेप बनाएंगे, ठीक है, स्क्रेच करेंगे, देन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ डायगोनल्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द मीन ऑफ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, द सम ऑफ, ठीक है ध्यान से देखिए, क्वाड्रिलेटर आप चाहे तो इसमें भी फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, क्वाड्रिलेटर में चार साइड होती है, दैट मीन्स 4 माइनस 2 मतलब 2, 2 इंटू 360 विल 2 इंटू 180 विल बी इक्वल ऑफ 360, आपको बात समझ आ रही है। ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जिसमें आपको साइड दी थी 7, 8 और 10 एंड वी हैव टू फाइंड द एंगल्स, फॉर्मूला आपके सामने है, एन की प्लेस में हमने एक बार 7 रखा, एक बार 8 रखा और एक बार 10 रखा, देन वी गेटिंग द आंसर्स 900, 1080 डिग्री एंड 1440 डिग्री। फाइनली वी मूविंग विद द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जिसमें हमको पॉलीगोन का नाम बताना है, थ्री साइड दैट मीन्स अ ट्राइंगल, फोर साइड दैट मीन्स अ क्वाड्रिलेटर एंड 10 साइड दैट मीन्स अ डेकोगोनल। आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन अप टू क्वेश्चन नंबर 1 to 4। Thank you so much to watching this YouTube channel of Shantipani Higher Secondary School, Rajadhana.